सो हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद वीडियो मैं शूट कर रही हूँ इस चैनल के लिए। जितनी वीडियोज़ आप देख रहे हैं बहुत पहले, मतलब टाइम टू टाइम मैं करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है मदर स्पर्श का डेली मॉइस्चराइजिंग मिल्की सॉफ्ट बेबी वॉश। तो काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे और लगभग 3 महीने बाद मैं यूज़ करने की, पूरी बॉटल ख़त्म करने के बाद मैं इसे जो है आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। जस्ट मैं बॉटल जाकर अभी बस फेंकने वाली हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और आप लोगों को मैं पूरा रिव्यू देखना चाहिए कि इसे बाय करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी मैंने दी है, क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सब डिटेल में मैंने बात। तो चलिए फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं। सो गाइज, आज रिव्यू करेंगे मदर स्पर्श के ये डेली मॉइस्चराइजिंग मिल्की सॉफ्ट बेबी वॉश का। ये एक्चुअली पूरी बॉटल ख़त्म हो गई है और आज ख़त्म हुई है, तो सोचा ये तो राइट टाइम है रिव्यू करने का, तो आज रिव्यू करते हैं। तो बेसिकली ये 400 ml का मैंने मंगाया था। लगभग मैं आपको बता दूँ ये 3 महीना चला है और डेली यूज़ होता है, 449 rupees का है और इसकी शेल्फ लाइफ लगभग 2 साल की है। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये जो है लगता है, या नहीं वो आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोकोनट बेस्ड है। मेरी बेटी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो कोकोनट बेस्ड या और जिसमें शिया बटर या मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसीलिए ये कोकोनट ऑयल इन्फ्यूज़्ड और शिया बटर वाला लिया है जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। मदर स्पर्श के बहुत टाइम पहले मैंने वो जो नया चला था वाटर वाइप्स वाला, तो वो मैंने यूज़ किए थे, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। उसके बाद मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और मुझे जेन्युइनली इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप मेरे मेन चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक और चैनल है जो कि है अनुप्रिया ब्यूटी मेकअप फैशन, जहाँ पर मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ और मैं नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोस ज़्यादा शूट करती हूँ, जहाँ पर मैं आपको 15 days लाइव टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। तो अगर आपने चैनल को टेस्ट नहीं, जाकर चेकआउट नहीं किया तो कीजिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो और आपको लगता है कि एक जेन्युइन रिव्यू चाहिए तो वहाँ जाके आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी अभी बैक टू द फॉर्म, बैक टू द वीडियो। तो ये वाली वीडियो में मदर स्पर्श का मॉइस्चर, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक प्लांट बेस्ड आता है और ये डेली मॉइस्चराइजिंग बेबी सॉफ्ट बेबी वॉश है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अभी मेरी बेटी करंटली 2 साल की है, तो उसके हिसाब से अभी मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स। पहले जो है मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और लगभग कुछ एक प्रोडक्ट जो इनिशियली मैंने यूज़ किया था वो हिमालय का जेंटल बेबी वॉश यूज़ किया था, जैसे सभी मदर्स यूज़ करती हैं वैसे। लेकिन नॉर्थ में होने की वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा काम नहीं कर रहा था, और मैं जब यहाँ शिफ्ट की पुणे में तो यहाँ के वेदर के हिसाब से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। स्किन बहुत ड्राई हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर रहता है। तो मैंने उसके बाद सेबामेड भी इस्तेमाल किया है और कीको इस्तेमाल किया, मैंने और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स इस्तेमाल किए, सबके वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं तो आप चेकआउट कर लेना। ये जब मैंने मंगवाया था तो इसके इस प्रोडक्ट की बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ थे। तो और मिल्क इन्फ्यूज़्ड है तो यहाँ पे स्किन काफ़ी ड्राई रहती है हार्ड वाटर की वजह से, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। अब इसमें नो सिलिकॉन है, नो पैराबिन है, नो SLS है, नो हार्श केमिकल्स हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वो इसमें मेंशन की गई है। बस इसमें एक चीज़ है जो कि परफ्यूम है, तो न्यू बॉर्न के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, वैसे ये 0+ के लिए है। लेकिन इसमें परफ्यूम है तो मैं बिल्कुल, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो ये परफ्यूम वाला और दूसरा रीज़न है कि ये थोड़ा सा ना, मतलब मैं जब अपनी बेटी को लगाती हूँ, मैं खुद टेस्ट करती हूँ अपने ऊपर, तो जब मैंने इसे अपने फेस के ऊपर लगाया, अपनी आईज़ के ऊपर लगाया, तो ये ना आंखों में जलन दे रहा था, जो कि ठीक नहीं है। अगर छोटा बच्चा होगा बेचारे की आंखें बहुत ज़्यादा जलेंगी और वो बता भी नहीं पाएगा। अभी मेरी बेटी 2 साल की है तो वो आईज़ क्लोज कर लेती है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इसका नेगेटिव पार्ट है। बाकी जो ये क्लेम करते हैं कि स्किन को काफ़ी मिल्की सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज बनाएंगे, वो बिल्कुल 100% ये करते हैं। मतलब मेरी स्किन, मेरी बेबी की स्किन इतनी ज़्यादा हार्श है, इतनी ड्राई है कि इवन मुझे भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है और हर मॉइस्चराइज़र उसके स्किन के ऊपर सूट नहीं करता है। तो मैं हमेशा सिटाफिल या फिर हिमालय का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत जेंटल जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप, अगर आपकी बेबी की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एंड हार्श है, मतलब काफ़ी ड्राई रहती है, तो ये प्रोडक्ट आपकी बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन 1+ के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। इसे नॉर्मली आपको इस्तेमाल करना है, और नॉर्मली इससे पहले मैं मिमी का इस्तेमाल करती थी, वो भी अच्छा था, लेकिन ये मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा है।
तो इसके अंदर कैसे आपको रखना है, कैसे आपको यूज़ करना है, और लगभग 3 साल तक आप, मतलब 3, वैसे तो 2 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी जेंटल है, 3 महीने तक चल जाएगी आपको 400 ml की बॉटल, और बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। बेबी की स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, और इसके अंदर से ना मिंदी मिंदी कोकोनट जैसी स्मेल आती है, कोकोनट मिल्क की आती है ना, वैसी वैसी शिया बटर की, कोकोनट मिल्क की मिक्स ही एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है, एक बहुत अच्छा अरोमा हो जाता है। स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज रहती है, और आपको बिना किसी लूफा के, बिना किसी और प्रोडक्ट के, जस्ट हाथ से जेंटली बेबी को नहलाना होता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, और बेबी की स्किन भी काफ़ी बेबी सॉफ्ट हो जाती है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इसे बाय करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।